समस्या जो आ गई है, बड़ा संशय जो उत्पन्न हो गया है, वो बीएड अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर के हो गया। इसका मतलब यह हुआ है कि हम रिजल्ट निकालने के समय तक हो सकता है कि यह संशय दूर ना हो। तो वैसी स्थिति में हमको इनका रिजल्ट को तो वैसे भी रोक के रखना पड़ जाएगा। अगर वो संशय अगर मान लेते हैं कि वो बीएड अभ्यर्थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर कर देते हैं और वहाँ से अगर कोई एडमिट हो जाता है वो, तो हमें उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में हम रिजल्ट जो निकालेंगे, अब जो निकालेंगे वो हम लोग दो चरणों में एक तरह समझें कि आप निकालेंगे। पहले चरण में जो क्लियर कट मामले हैं उनके मामले को निकालेंगे और दूसरे चरण में जो जिनका मामला डाउटफुल अभी है उन डाउटफुल मामलों को हम मेरिट लिस्ट तो कॉमन बना करके रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन हम उनका डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि उनका वो संशय दूर नहीं हो जाता, उनकी पात्रता के विषय में जब तक दूर नहीं हो जाता। उनके लिए हम पद सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन उनको हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, संशय दूर होने के बाद करेंगे। अगर संशय पहले से दूर हो गया तो हो गया। यही स्थिति सीटेट जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे या जो बीएड के जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे जो अपनी पात्रता उनके अपीयरिंग जो एग्ज़ाम जिसमें वो किए हैं उसके परीक्षा फल पर आधारित होगा, उनके लिए भी हम लोग इसको सुरक्षित तो रखेंगे लेकिन डिक्लेयर नहीं करेंगे। अब रही बात कि उनको अंतिम तिथि क्या मिलेगा, जिस तिथि तक उनका संशय दूर हो जाना चाहिए या उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो तिथि होगी वही तिथि हमारी अंतिम तिथि होगी। अगर सिर्फ एक ही मामले में जहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पुनर्विचार याचिका उसमें एडमिट कर लिया जाता है, वैसे मामले में हम प्रतीक्षारत रहेंगे, अन्यथा बाकी मामले में तो मैं नहीं समझता हूं कि संशय की स्थिति उस समय तक बरकरार रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि में अगर वो संशय दूर हो चुका रहेगा तो निश्चित तौर पर हम परीक्षा फल निकालेंगे उसी के हिसाब से। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, हम समझते हैं कि इस महीने नहीं मतलब सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह के आसपास में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। आप मान के चलें कि 20 तारीख से 25 तारीख के बीच का एक लगभग का तिथि रहेगा जहां जब हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कई चरणों में होगा क्योंकि हमारी वैकेंसी जो है 170,000 है और हमारे जिला सिर्फ 38 है। देखिए संशय वाला जो रहेगा उसका तो डिक्लेयर हम नहीं करेंगे जब तक संशय का निराकरण नहीं हो जाता है, स्वाभाविक है। अगर आप स्वयं सोचें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर मान लीजिए पुनर्विचार याचिका लंबित है, चाहे वो अभ्यर्थियों की हो, चाहे राज्य सरकारों की हो, चाहे एनसीटी की हो, किसी की भी हो, तो हम क्या रिजल्ट दे देंगे? स्वाभाविक है कि हमको रुकना पड़ेगा उसके फलाफल के लिए, क्योंकि हम ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत हो। लेकिन अगर कोई संशय ही नहीं रहा, सब कुछ एकदम ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर हो गया, तो हम तो उसके हिसाब से बिल्कुल रिजल्ट निकालेंगे। प्राथमिक के लिए भी जो मामले क्लियर कट हैं, जैसे डिप्लोमाधारी के मामले में कोई संशय नहीं है, बिल्कुल जारी करेंगे हम। अगर वो कॉमन मेरिट लिस्ट में हम ऑफकोर्स हम बीएड वालों का अगर संशय रहता है तो उनके लिए उतने पद को सुरक्षित रखते हुए बाकी पद हम निकाल देंगे। अगर डिप्लोमाधारी अगर आते हैं तो क्यों नहीं निकालेंगे उनका? नहीं, डिप्लोमाधारी वालों का तो बिल्कुल रिजल्ट सितंबर में ही आ जाएगा। यस यस यस, मैंने क्या कहा, जिसका संशय नहीं है उनका रिजल्ट भी सही हम निकाल देंगे, जिनका संशय रहेगा तो जैसा संशय रहेगा जिस स्तर पर मामला लंबित है उस स्तर से निर्देश लेकर के ही हम निकालेंगे। एक मिनट
का बता रहे सर कि 20 से 25 सितंबर के बीच में हम कार्यक्रम देंगे, तो रिजल्ट तो उससे पहले तब आएगा। देखिए हम लोग जो निकालते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो प्रोविजनल रिजल्ट के बेसिस पर देते हैं कि जो लोग कंसिडरेशन जोन में आ गए, मतलब जो सफल होने वाले जो अभ्यर्थी हो गए, उनका हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद अगर उसमें भी मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि सीटेट अगर अपियरिंग कैंडिडेट के है, बाद में पता चलता है कि नहीं पास किया। कई अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जो उन्होंने दावा कर दिया कोई आरक्षित श्रेणी का या किसी और श्रेणी का, बाद पता चलता है कि वो नहीं वैसा नहीं है। तो स्वाभाविक है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में उनका कट सकता है, छट सकता है, और जो उसके हिसाब से फिर उनका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट फिर हम निकालते हैं। नहीं, इसमें जिन्होंने आवेदन दिया 67,000 के आसपास। एक चीज मैं जब बता दूं, जो कई जगह मतलब दुष्प्रचार ये चल रहा था कि बीएड अभ्यर्थी 5 लाख हैं या 6 लाख हैं, कुछ लाख हैं, मैं तो यह कहूंगा कि एज लॉन्ग एज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास में पर्याप्त डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी है, मतलब कि अगर हमारे पास 80,000 वैकेंसी है, हमारे पास 80,000 कैंडिडेट्स भी अगर डिप्लोमाधारी रहते तो भी मैं परीक्षा कराता। अभी तो वर्तमान में हमारे पास 80,000 नहीं, हमारे पास 3,80,000 है। इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार कृपा करके न करें।